भाई आप हैरान हो जाओगे, मोड्स भी है भाई, ऑफ रोड मोड है इसमें। मतलब कि आप अगर लोकेशन सेट कर देते हैं तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि कहाँ पे आपको लेफ्ट लेना है, कहाँ पे आपको राइट लेना है। जो हम बताने वाले हैं प्राइस की, ठीक है यार, क्या हैरान होने वाले हो तो प्राइस इसका मात्र ऊपर को ले ले यार तू। यार और कुछ और बाइक्स के बारे में आपको इसमें बता देंगे। तो गाइस सुबह सुबह मेरे को कॉल आया कि एक इवेंट रखा है बजाज वालों ने, जो कि है N160 का नया रिवील, ठीक है। उसमें पूरा अपडेट आने वाला है, पूरा आपको बताऊंगा शोरूम जाके। तो गाइस शोरूम वालों ने मेरे को बुलाया, अभी फिलहाल सुबह सुबह जैसे नोट है वैसे ही कॉल आ गया, ठीक है। शाहरुख भाई को कॉल आया था और शाहरुख भाई से आप जाके डील कर सकते हैं। उसके बाद N160 में बहुत से नए अपडेट आने वाले हैं, USD फॉक्स वगैरह और भी बहुत कुछ है, ठीक है। आज देखने वाले रिवील होने वाले, फर्स्ट टाइम आ रही है शोरूम में। तो भाई अभी पंकज और मैं देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या अपडेट्स नए आते हैं। और उसका वहाँ पे अभी तो फिलहाल इवेंट है कुछ, उसमें बुलाया हमें। और गाइस फिलहाल हमारे साथ जा रहा है पंकज, ठीक है, हम दोनों जा रहे हैं। और फिलहाल आज फोर्थ में जाने वाला है, ठीक है, और हमारा वहाँ पे वेट चल रहा है। तो फटाफट चलते हैं यार, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, सीधा मिलते हैं वहीं पे, ठीक है। टाटा बाय बाय। सो गाइस पहुँच चुके थे हम यहाँ पे बजाज शोरूम, ठीक है, जो कि हरिद्वार में है। अभी यहाँ पे न्यूली N160 की लॉन्च होने वाली है और फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर भी आ चुके हैं, ब्लॉगर्स भी बहुत सारे दिख रहे हैं। देखो बाइक वो रैप हो रखी है, ठीक है, बाकी यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। अभी एक्सपोज होने वाली है बाइक, फिलहाल आज ये देखने वाले हैं कि इसमें अपडेट्स क्या क्या हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अपडेट किए हैं इन्होंने, इनसे मिलिए। देख शाहरुख भाई कैसे भाई, वेट हमारा ही चल रहा था, ऊपर को ले ले कैमरा, सच्चाई निकलवाते हैं मेरे, और कैमरा ऊपर करवा देते हैं, ऊपर करवा देता हूं, ऊपर को ले ले फिर निकल जाएंगे। 9 बजे की लॉन्चिंग थी मगर हमने संजय भाई के लिए 11:30 का टाइम करवा दिया क्योंकि आधे घंटे लेट हो गए थे। अरे ट्रैफिक वगैरह था ना, आप देख सकते हैं, आपने बताया कब बताया कब स्पेशली आपके लिए, इनके लिए, संजय भाई के लिए आधा घंटा डिले कराया मैंने। तो भाई बहुत बहुत थैंक यू। अभी फिलहाल ये जिसमें कि आपकी बहुत सारी बाइकों का रिकॉर्ड तोड़ा था उस बाइक ने। जिस बाइक का अनवील होने जा रहा है, बहुत ही अच्छी, बहुत प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है, 160 सीसी में अभी तक भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है इस समय। आप सभी ने रोड पे देखा भी होगा, करते रिवील। शाहरुख भाई कैसे लगे आपको पर्सनली? अरे भाई तू बता, बढ़िया रखे। अरे बढ़िया है। बदल लो क्या? एक्सचेंज हुआ है? डिले रुकवाया मैंने आधा घंटा डिले। बिल्कुल थैंक यू यार। और बाइक इतनी पब्लिक तेरे से पहले आके खड़ी हो गई है, तेरा ही नहीं यार। फिलहाल इसका मैं बता देता हूँ कि बहुत ही प्यारी लग रही है भाई, ठीक है। और इसमें पूरा डिजिटल मीटर आ चुका है, पूरा देखो एक बार। मोड्स भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे पहले N250 मार रहे थे वैसे इसमें भी है, बहुत कुछ है इसमें भी, ठीक है। USD फॉक्स दे दिए हैं, बहुत ही आवाज बहुत सही कर दी है। ग्राफिक्स में देखो गाइस एक बार, ग्राफिक्स भी बहुत चेंज है। फिलहाल तो बहुत सारे कस्टमर इसको देखने आए, अभी क्राउड भी बहुत था इसको देखने के लिए, ठीक है, जब इसकी लॉन्चिंग हो रही थी। बाइक पहली आई है अभी तक शोरूम में, ठीक है, इसका रिवील आज किया है और बहुत ही प्यारी है। मतलब N160 ने भी इतनी अच्छी निकाल दी है, अभी फिलहाल 250 निकली थी, उसके बाद N160 ने भी निकाल दिया है। मतलब प्राइस कितना गया है इसका ऊपर? ऊपर हम प्राइस में कह सकते हैं तो N160 इज द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि MT वगैरह सबके अपने प्राइस देके बहुत ही ज्यादा आता है। I'm gonna get back when I feel like... So guys, फाइनली हम आ चुके हैं N160, न्यूली लॉन्च N160। इसमें बहुत कुछ चेंज है, ठीक है। अब शाहरुख भाई बताएंगे आपको इसके सारे अपडेट्स के बारे में, इसके प्राइस के बारे में भी, और ये भी बताएंगे डिस्काउंट कितना मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको मोस्ट वेलकम कहूंगा दोबारा से, प्रीमियम कस्टमर हो आप हमारे, ठीक है। उसके बाद गाड़ी को मैं आपको आगे से दिखाना चालू करूंगा। गाड़ी में जो चेंजेस आए हैं वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ।
गाड़ी में जो सबसे पहले चेंज आया है गाड़ी में वो आपका यूएसडी सस्पेंशन आ गया उसमें, जो कि भाई राइडिंग एक्सपीरियंस को भी बहुत एनहांस करेगा, ठीक है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहेगा चलाने वालों को, अभी ऑफ रोडिंग में चले जाओ चाहे कैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपका सबसे पहले यूएसडी सस्पेंशन आ जाएंगे, साथ ही साथ स्टिकर आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है, न्यूली डेकल्स आ जाएंगे। उसके बाद मीटर काफी अपग्रेड करा है इसने कंपनी ने, इसमें आपका टर्न बाय नेविगेशन आ जाता है, ठीक है, साथ ही साथ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिससे क्या है आप कॉल यहीं से पिक कर सकते हैं, कॉल यहीं से कट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपके सारी आपको मीटर पे डिस्प्ले हो जाएगी। साथ ही साथ एक जो मेजर चेंजेस है जो मुझे मेरे हिसाब से जो करना चाहिए थे, एलईडी इंडिकेटर्स गाड़ी को काफी अच्छा लुक देती है। इसमें जो एलईडी इंडिकेटर है ना, इसकी बहुत ज्यादा नीड थी, जो कि आते थे पहले 250 में, ठीक है, अब आ चुके हैं ये N160 में अभी, ठीक है भाई, प्राइस सुन के ना बिल्कुल ही बढ़िया लगेगा। और फिलहाल बात करते हैं इसकी मीटर की, ठीक है, इसमें 10x10 नेविगेशन आ गया है, 10x10 नेविगेशन इसमें, मतलब कि आप अगर लोकेशन सेट कर देते हैं तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि कहाँ पे आपको लेफ्ट लेना है, कहाँ पे आपको राइट लिखना है, जैसे यहाँ पे, जो कि गाइस बहुत ही अच्छी चीज है, लोगों को फोन लगाना पड़ता है गूगल मैप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा फोन में सेट कर दो और यहाँ पे दिखाएगा आपको कौन से कनेक्ट हो गए, बिल्कुल कॉलिंग का भी दिखाएगा, ठीक है, सब कुछ कॉलिंग का, बैटरी का, हर चीज का आपके फोन में। एक बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत अच्छी अच्छी चीज है इसमें भाई, आप हैरान हो जाओगे, मोड्स भी है भाई, ऑफ रोड मोड है, ठीक है, और कौन सा मोड है, ऑफ रोड मोड आ जाएगा आपका इसमें, आपका क्या कहते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारी चीजें, रोड मोड है, रोड मोड है, रेन मोड है, और एक ऑफ रोड मोड है भाई, अलग अलग मोड है। मेरे ख्याल से जो ABS से ना अच्छा काम करेगा इसके मोड, क्योंकि आपकी गाड़ी स्किड होने का बहुत कम चांस रहेगा। ऑफ रोडिंग में आपका यह है मतलब कि गाड़ी आपके गड्ढे में ज्यादा फंसेगी नहीं, गाड़ी इंजन अपने आप थोड़ा जोर लगाएगा, तो काफी अच्छे अच्छे ऑफ रोड आ जाएगा, रेन आ जाएगा और रोड मोड आ जाएंगे, तीन मोड आ जाएंगे आपको, वही है सेम आपका चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता ही है जो आज के टाइम में अवेलेबल है। आईफोन यार कनेक्टेबल तो है। एक बार मैं आपको न्यू स्टिकर दिखाना चाहूंगा कि काफी अच्छा न्यू स्टिकर निकाला है कंपनी ने, और बजाज की एक बहुत अच्छी बात है कि प्राइस सेगमेंट का काफी अच्छा ध्यान रखा जाता है और बहुत ही प्रोग्रेसिव है ना। बिल्कुल, अब संजय भाई ने जब हमसे गाड़ी ली थी उस टाइम से और इस टाइम में मैं केवल अंतर बताऊंगा कि 6 या 7 हजार रुपए का अंतर है बस। बस भाई प्राइस इसका नहीं बढ़ रहा इतना, ठीक है, अब देखो इतना ये गाड़ी इतनी मतलब मोटिवेशन में आ चुकी है, यूएसडी फोक्स आ चुके हैं, एलईडी इंडिकेटर, बाकी मोड्स भी बहुत कुछ आ चुके हैं, बहुत कुछ चेंज हो चुका है, मेजर मतलब से मैंने ली थी ना, मेजर बहुत ही अच्छी हो चुकी है। अगर आप मेरे से पूछोगे कौन सी बाइक लेनी चाहिए भाई, मैं ये खुला आपको बोल सकता हूँ कि ये मतलब कि मेजर डिफरेंस अगर मैं आपकी गाड़ी में हूँ और इस गाड़ी में बताऊँ तो यूएसडी सस्पेंशन, मीटर में आपका क्या कहते हैं पूरा ही चेंज है। हाँ, मीटर आपका पूरा ही चेंज है, टर्न बाय नेविगेशन, ऑफ रोड मोड, रेन मोड, रोड मोड, ठीक है, एलईडी इंडिकेटर्स, न्यूली स्टिकर्स, तो काफी अच्छे चेंजेस हैं और प्राइस सेगमेंट काफी अच्छा है। अगर मैं आपको बताऊँ तो 170 के आसपास इसका प्राइस सेगमेंट जाता है। काफी अच्छे क्या कहते हैं इसके हेडलाइट्स है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो रात में तो काफी अच्छा लुक आता है बाइक का। हाँ, आज के टाइम में आपको क्या कहते हैं टैंक फाइबर का देखने को मिलता है और गाड़ियों में 160 में आपका जैसे या मैं 160 सेगमेंट में या मैं MT की बात करूँ, चाहे मैं R15 की बात करूँ, चाहे मैं किसी भी हीरो में भी चले जाऊँ, TVS में भी चलाऊँ, उसका भी आपको पेट्रोल टैंक आपको प्लास्टिक का मिलेगा, मगर इसमें आपको आयरन का मिलेगा, आयरन का मिलेगा, ठीक है। और इसका मीटर तो टोटली चेंज है, देखो पूरा पता नहीं क्या क्या है भाई, बहुत कुछ है भाई, ठीक है, लोगों मैं वीडियो देख रहा था, कुछ लोगों को पुराना भी पसंद आता है जो मेरी बाइक में, वो अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना टेस्ट है, मगर ऊपर कर लो, मगर कस्टमर का, मगर कंपनी का एक वो है मोटिव है कि समय के हिसाब से कंपनी को चेंज करना पड़ता है, वरना वो पीछे रह जाएगी। 170 एक प्राइस रेंज में आपको 160cc की गाड़ी मिल रही है, जिसमें आपको USD फोर्स सस्पेंशन, डुअल चैनल ABS, चौड़े टायर, आपका क्या कहते हैं फुल्ली डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, टर्न बाय नेविगेशन, इतने सारे मोड, LED हेडलाइट, LED इंडिकेटर, तो आपको एक गाड़ी से और क्या चाहिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। साथ ही साथ इसमें जो सबसे बड़ा एक वो है मेन वो है कि इसका जो सामने से लुक आता है वो भी रात में वो काफी बेहतरीन आता है। साउंड सुनाते हैं एक बार, है ना, दोबारा पसंद आती है ना, बहुत अच्छी चीज वो है इसकी पटाखे छोड़ने की आवाज पट। उसके बाद मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि जब आप बाइक लेते हैं उसके बाद आपको गाड़ी की सर्विस भी करानी होती है,
तो संजय भाई एक सर्विस में आपके कितने रुपए लगते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही लो कॉस्टिंग सर्विस है। हाँ, मेरे से कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कंपनी का कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि बहुत लो कॉस्ट है। ठीक है, आपसे ऑयल का लेंगे जो आपका नॉर्मल आता है 800 के आसपास, टोटल वही बढ़ जाता है 800-900 मतलब टोटल अप्रोक्सीमेटली अगर आप पेड पेड सर्विस कराओगे तो 1000 रुपीस के अंदर हो जाएगी। हाँ, टोटल इतना आ जाएगा, ठीक है, बाकी लेबर कॉस्ट वगैरह बहुत कम है इनकी। और मैं बताऊँ तो इनकी जो सर्विसिंग है ना बहुत सही करते हैं लोग। और बाकी अपने बताए तो अपने खान भाई तो यहाँ पे थे जो रोड की भेज दिया तुमने। संजय भाई आपकी हाइट क्या है? 5'10" तो 5'10" में आपके पूरे पंजे दोनों तरफ के पैर टिक रहे हैं। जो हाँ कमेंट भी आए थे बहुत सारे कि जो शॉर्ट शॉर्ट राइडर है उनके लिए कैसी है भाई, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट। तो मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आपकी हाइट 5'6" या 5'7" भी है, 5'5" भी है तो चल जाएगी, 5'5" भी है तो आपको इजीली आप कंट्रोल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे अच्छा है जब आप देखो आप एक चीज पे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको रोड प्रेजेंस एक मिलना चाहिए। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि संजय भाई गाड़ी लेके निकलते होंगे तो एक दो लड़कियां तो गिर ही जाती होगी, नाले में गिर जाती है। ये देखो देखो मैंने सच कहा, इसलिए पटाखा फूटा है वो गिर गया। तो रोड प्रेजेंस काफी अच्छा है बाइक का अगर आप बाइक लेके निकलते हो। साथ ही साथ आपके फोन में कितनी बैटरी है वो भी यहाँ पे शो करेगा, फोन की बैटरी भी, बिल्कुल आपके फोन में कितनी बैटरी है वो भी यहाँ शो करेगा मीटर पे। भाई पूरा फोन लगा दिया। आपके फोन में कितने टावर आ रहे हैं, चार डंडे होते हैं ना, वो भी बताएगा, वो भी यहाँ बताएगा कि आपके फोन में कितने टावर आ रहे हैं। अगर कॉल करते करते अगर आपने किसी का नंबर सेव करा है तो उसका सेव नंबर आपके जिस नाम से सेव करा है वो आपका नंबर नाम शो करेगा मीटर में, अदरवाइज पूरा नंबर शो करेगा। अगर आपको नंबर सेव नहीं करता, बिल्कुल बाकी मीटर जैसे संजय भाई ने बताया हर कस्टमर का अपना टेस्ट होता है। हाँ, मगर कंपनी को और अपने मार्केट के हिसाब से चेंज थोड़ा जरूरी होता है। तो गाइस लास्ट चीज जो हम बताने वाले हैं प्राइस की, ठीक है, यार क्या हैरान होने वाले हो बताओ। तो प्राइस इसका मात्र ऊपर को ले ले यार, तू यार ऊपर को ले ले एक बार। अच्छा पुराने स्टाइल में बोलना चाहिए। तो आपके हिसाब से कितनी होगी, ठीक है, वीडियो पूरी देखने से कमेंट कर दो कि आपके हिसाब से कितनी होने वाली है इसकी प्राइस, ठीक है, प्राइस बहुत ठीक है। प्राइस जो इसका रहेगा ड्रम की आवाज लगा दियो भाई, क्या रहेगा वो रहेगा 170 ऑन रोड प्राइस है, हरिद्वार ऑन रोड दे देंगे, ठीक है, और आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, बाकी इसके भी मिल जाएगा, शाहरुख भाई कर देंगे आपके लिए डिस्काउंट, तो बार-बार आपके लिए पड़ जाएगी 120 की, ठीक है। बाकी हमने संजय भाई और मैंने कोशिश करी है कि गाड़ी के बारे में आपको पूरी बातें बताई जाए, तो जहां तक हमने आपको बता दी है, ठीक है। लोकेशन आपकी रहेगी सिंह द्वार चौक हरिद्वार अपोजिट गुरुकुल फार्मेसी। मोबाइल नंबर रहेगा 7078786956। नंबर आपको स्क्रीन में दे दिया जाएगा। बाकी एक लास्ट चीज यहाँ पे ध्यान दे, थोड़ा कितना अलग कर चुका है, दे चुके हैं, देखो एबीएस का सिस्टम भी कुछ अलग हो चुका है क्योंकि यूएसडी फोक्स आ चुके हैं, ठीक है। अब हम ब्लॉग को एंड करते हैं फिलहाल। मैंने भी संजय सीधा वायरल ब्लॉगर्स, बहुत अच्छा लगा मिलके, ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू। तो गाइस आप पुष्पक बजाज मैनेज बाय सर, ठीक है सर, आपका नाम तो आपको सर यहीं पे मिलेंगे, ठीक है, आप अगर डीलिंग कराना चाहते हो सबसे करा सकते हो, बजाज की बहुत ही अच्छी डीलिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, जो कि बहुत ही प्रोग्रेस कर रही है। सर आप भी आपका पीओवी क्या है इस बाइक के लिए? इसको अगर आप देखें तो मार्केट में हर गाड़ी को इसमें बीट किया हुआ है, और अब अपग्रेड के साथ आई है तो अब इसकी कोई टक्कर नहीं है मार्केट के अंदर, नए फीचर्स आ गए हैं, बहुत कुछ नया आ चुका है ना? सब कुछ नया है इसके इस सेगमेंट में, कोई तोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ नहीं है इसका। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।